तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यह कस्टम HUD को यूज करने के बाद आपका हर एक गन से हेडशॉट लगेगा, तो आप लोग बोलोगे कि यह मजाक कर रहा है। नहीं भाई लोग, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि यह कस्टम HUD को आप लोग अगर सही से यूज कर लेते हो तो आपका हर एक गन से हेडशॉट लगेगा। सिर्फ आपको कस्टम HUD को सही से सेटिंग करना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए मैं आपको कस्टम HUD दिखा देता हूँ। तो आपको रनिंग बटन, जाम बटन एंड सीटअप बटन को 90 से 100 के बीच में रखना है और ग्लोबल को 60 से 70 के अंदर रख देना है और मैं जिस पोजीशन पर दिखा रहा हूँ उस पोजीशन पर रख देना है। और आपका गन स्लॉट को 80 से 90 के बीच में रखना है और स्कोप को आप लोग यहां पर भी रख सकते हो, वहां पर भी रख सकते हो और इसका साइज को आपको 50 से 60 के अंदर रखना है और जॉयस्टिक बटन एंड फायर बटन को आपको सेम साइज पर रखना है और मैं जिस पोजीशन में दिखा रहा हूं उस पोजीशन में रखना है और जितना हो सके नीचे की तरफ रखना है और आप चाहो तो इनको पौती पर रख सकते हो क्योंकि पौती पर ज्यादा हेडशॉट लगता है। और जितना भी बटन रह गया है उनको आपके हिसाब से रख देना है।